ये कहानी शुरू होती है मिया और नीको नाम के एक कपल से, जहां हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी कंट्री से इलीगल तरीके से भाग रहे थे। असल में ये दोनों जिस देश में रह रहे थे, काफी वक्त से वो अपने आसपास के मुल्कों से जंग कर रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे देश में खाने की कमी होने लगी थी। उसके बाद सरकार ने बूढ़े बच्चे, यहाँ तक के प्रेग्नेंट औरतों को भी मारना शुरू कर दिया ताकि खाने की कमी को कम किया जा सके। इसी वजह से मियां और नीको ने अपनी बच्ची तक को खो दिया था और अब अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों इलीगल तरीके से इस देश से भागकर आयरलैंड जाने वाले थे। उसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उनका एजेंट उन्हें ले जाकर एक कंटेनर में बिठा देता है। असल में ये सब कंटेनर शिप से होते हुए आयरलैंड जाने वाले थे, जहां हम देखते हैं उस कंटेनर में मियां और नीको के अलावा और भी कई लोग मौजूद होते हैं जो उस देश को छोड़कर भाग रहे थे। तब हमें पता चलता है कि मियां 9 महीने की प्रेग्नेंट है, जो कि आने वाले किसी दिन में कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। कुछ वक्त बाद उनका कंटेनर ट्रक से होता हुआ पोर्ट तक पहुंच जाता है, जहां उस कंटेनर का दरवाजा यकायक खोल दिया जाता है, जिसके खुलते ही कई सारे लोग कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं और इसी भीड़ भाड़ में मियां और नीको बिछड़ जाते हैं, जिसके बाद नीको को मजबूरन दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। इस हादसे के बाद मियां डर जाती है। उस कंटेनर के बंद होने के फौरन बाद वो नीको को कॉल करती है, जहां नीको उसे हौसला देता है कि वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि एक बार शिप पर पहुंचते ही वो उसके पास चला आएगा। नीको के इस दिलासे से मियां खामोश होती है। उसके कुछ वक्त के बाद मियां का कंटेनर पोर्ट पे पहुंचता है, जहां से उनका शिप चलने वाला था, लेकिन इससे पहले उनको चेक पॉइंट से गुजरना था, जहां पुलिस उस कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। अब जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर कंटेनर को खोलकर देखता है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। असल में उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर होता है, जहां वो सारे लोग छुपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत चालाक था और उसे पता था कि लोग उसी सीक्रेट चैम्बर में छुपे हुए हैं, इसलिए वो उन्हें खुद से बाहर आने की धमकी देता है, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देने वाला था। और तभी डर के मारे एक औरत उस सीक्रेट चैम्बर से बाहर आ जाती है, लेकिन इससे पहले वो औरत उस कंपार्टमेंट से बाहर आती, मियां वहां रखे दो बड़े बड़े बॉक्सेस के ऊपर चढ़ जाती है। इससे नीचे खड़े हुए लोग उसे देख नहीं पाते, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने उस चैम्बर के खुलते ही वहां खड़े सभी लोगों को, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, सबको एक एक करके गोली से मार दिया, जिसके बाद उन पुलिस वालों ने एक एक करके सभी की लाशों को निकाल कर बाहर फेंक दिया। मियां अभी भी बॉक्सेस के ऊपर महफूज थी। सभी पुलिस वाले उस कंटेनर से निकलकर उसे बंद कर देते हैं। मियां अब भी डरी सहमी वहीं बैठी हुई थी। अब थोड़ी देर के बाद मियां के कंटेनर को शिप में लोड कर दिया जाता है। अब मियां की शिप निकल पड़ती है आयरलैंड की तरफ, जहां उस कंटेनर में बैठे बैठे मियां वहां कुछ पड़े सामानों को तलाश करती है, जहां उसको कुछ खाने का सामान, मशीन व्हील, फोन जैसी कुछ चीज मिलती है। अब रात होने के बाद मियां को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी आधी रात को मियां की नींद खुलती है, क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था। जहां वो कंटेनर में बने एक छेद से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में उसका शिप समुद्र के दरमियान एक तूफान में फंसा हुआ है, लेकिन तूफान देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा था। आखिर में वही होता है जिसका डर था, वो पूरा शिप पलट जाता है, जिस पर शिप पर रखे सारे कंटेनर एक के बाद एक समुद्र में गिरते जा रहे थे। और जैसे ही मियां का कंटेनर पानी में गिरता है तो उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर के बाद मियां की आंख खुलती है, तब वो देखती है कि कंटेनर के सभी बॉक्सेस इधर उधर बिखरे पड़े थे, साथ ही में उसके कंटेनर में थोड़ा सा पानी भी घुस आया था। जिसके बाद मियां उस कंटेनर के छेद के बाहर देखती है तो उसे चारों तरफ समुद्र दिखाई देता है। ये देखकर मियां घबरा जाती है और अपना फोन निकालकर अपने पति नीको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि उसका फोन काम ही नहीं कर रहा था। इतने में मियां की नजर कंटेनर के उस हिस्से पर पड़ती है, जहां उसे दो छेद दिखाई देते हैं, जिनसे लगातार पानी अंदर आ रहा था। अगर जल्दी से मियां ने उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो उसका कंटेनर डूब जाएगा, इसलिए मियां एक एक करके सभी बॉक्सेस को खोलने लगती है, जिनमें कुछ में प्लास्टिक बॉक्स थे, किसी में कपड़े थे तो किसी में टीवी था, किसी में एयरफोन के केबल थे, किसी में शराब की बोतल थी। तभी मियां को एक टेप दिखती है, वो टेप से उन दोनों छेदों को बंद कर देती है। और तभी अचानक वहां से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही मियां बाहर देखती है
तब उसे पता चलता है कि ये वही कंटेनर है जिसमें नीको सफर कर रहा है। लेकिन मिया की आंखों के सामने ही वो कंटेनर डूब जाता है, जहां मिया नीको को एक दूसरे फोन से कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो पाता। अब अपनी आंखों के सामने उसे मरता देख मिया टूट जाती है और उसके दुख का लेवल इतना बढ़ चुका था कि एक बार उसने अपनी जान लेने की भी सोच ली, मगर अपने बच्चे का सोच कर उसने अपना ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। अब थक हार कर मिया उस रात वहीं सो जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही मिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उस कंटेनर में और भी पानी आ जाता है। असल में उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था, इसलिए इस बार मिया उन प्लास्टिक बॉक्सेस से कुछ रबड़ को निकाल कर उन छेदों को बंद कर देती है जिनसे कंटेनर में पानी भरना बंद हो जाता है। किसी तरह जुगाड़ करके मिया अंदर आए पानी को किसी और छेद से बाहर निकालती है। तभी अचानक मिया के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये कॉल नीको का होता है, जहां नीको उसे बताता है कि वो उस शिप पर था ही नहीं जिस शिप पर मिया का कंटेनर था, तब कहीं जाकर मिया की जान में जान आती है। इसके बाद मिया भी नीको को बताती है कि कैसे वो समुद्र के बीच एक कंटेनर में बंद है, जिसके बाद नीको मिया से वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। नीको के फोन रखते ही मिया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिसका सीधा मतलब यही था कि मिया किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी हम देखते हैं समुद्र में आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है और उससे कंटेनर के अंदर का भी माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है, जहां पूरा कंटेनर तूफान की वजह से हिचकोले खा रहा था और साथ ही उस कंटेनर में पानी भी भरते जा रहा था। इसी माहौल के बीच मिया की बेटी नोहा पैदा होती है और मिया किसी तरह दर्द के साथ ही अकेले अपनी बच्ची को संभालती है। अगले दिन की सुबह होती है, जहां हम देखते हैं कि नोहा रोना बंद ही नहीं कर रही थी और साथ में मिया का खाना खत्म होते जा रहा था। तब मिया को एक आइडिया आता है कि क्यों ना उस ड्रिल मशीन से वो कंटेनर की छत पर एक छेद बना दे ताकि वो उस कंटेनर से बाहर निकल सके, जिसके बाद मिया उस कंटेनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है। लेकिन आधे रास्ते में ही मिया की ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद मिया एक छोटे से चाकू की मदद से उस कंटेनर को काटने की कोशिश करती है। लेकिन इतने छोटे चाकू से इतना मोटा लोहा काटते काटते मिया के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन मिया उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है। और जैसे ही मिया उस कंटेनर से बाहर आकर खुले आसमान के नीचे बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद सूरज की किरणों को महसूस कर रही थी। जिसके बाद मिया अपनी बेटी को वहाँ ले आती है, जिसके बाद वो भी रोना बंद कर देती है। तभी समुद्र में मिया को कुछ मछलियाँ दिखाई देती है, जिसके बाद मिया उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाती। उसी वक्त आसमान पर एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो टीवी की स्क्रीन को तोड़कर प्लेन की तरफ चमकाने की कोशिश करती है। तभी लोहे के किनारे से उसकी टांग का मांस फट जाता है, जिसकी वजह से मिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब खून को बहने से रोकने के लिए पहले मिया वाइन से अपने जख्म को साफ करती है, उसके बाद अपने जख्म को सिल देती है, जिससे मिया को बहुत दर्द होता है। उसके बाद मिया को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उन एयरफोन के केबल से एक जाल बना ले मछलियों को पकड़ने के लिए, और मियां बिल्कुल ऐसा ही करती है। और ऐसा करते करते मियां का खाने का इंतजाम मछलियों से होते जा रहा था और पीने का इंतजाम बारिश के पानी को जमा करके मियां कर ही रही थी, और साथ में नोहा दूध के साथ आगे बढ़ रही थी। और ऐसा करते करते दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ मियां मायूस होती जा रही थी, क्योंकि मियां को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। तभी एक रात मियां को नीको की कॉल आती है, जहां वो उसे बताता है कि वो एक शिप से उसके पास आ रहा था, मगर उसको पुलिस ने पकड़ लिया। फिर पुलिस से भागते वक्त उसे गोली लग गई और अब उसका इतना खून बह गया है कि वो शायद अब बच ना सके। आखिर में वो मियां से माफी मांगता है कि वो उसे बचा ना पाया। जाने से पहले मियां नीको की उसकी बेटी से बात कराती है। ये सुनने के बाद मियां टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे, मगर मियां को जीना ही था, वो भी अपनी बच्ची के लिए। सही मायनों में मियां जिंदा थी तो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि वो अपनी बच्ची को महफूज देखना चाहती थी। उसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और मियां उन प्लास्टिक के बॉक्सेस से एक नाव बनाती है, ताकि वो किसी भी बुरे हालात में नोहा को बचा सके। उस नाव को बनते बनते रात हो जाती है, जहां रात को अचानक से अपने आप ही उस कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद मियां अपना जरूरी सामान लेने के लिए उस कंटेनर में आ जाती है,
जहां उसका पैर उसी कंटेनर में फंस जाता है, जिसके बाद वो कंटेनर भी समुद्र में डूबने लग जाता है। उधर नोहा अपने नाव के सहारे समुद्र की लहरों की वजह से कंटेनर से दूर होती जाती है। उधर कंटेनर में फंसी मियां किसी भी तरह अपने आप को छुड़ाकर बाहर निकलती है। वो सबसे पहले नोहा के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी छोटी बच्ची तो ठीक है। अब ऐसे ही नाव के सहारे तैरते तैरते अगले दिन की सुबह हो जाती है, लेकिन मियां की हालत बिगड़ते ही जा रही थी। इस तरीके से वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती थी। तभी हम देखते हैं कि वहां से गुजरते हुए कुछ मछुआरे उसे देख लेते हैं। उसके बाद नोहा और उसकी माँ को समुद्र से बाहर निकालते हैं, और जैसे ही मियां को होश आता है तो वो सबसे पहले अपने बच्ची के बारे में पूछती है। उसके बाद वो देखती है कि वो लोग आखिरकार आयरलैंड पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो मछुआरे आयरलैंड के ही थे। और इसी तरह लगभग अपने हालातों से लड़ते हुए ना सिर्फ मियां ने खुद की जान बचाई बल्कि साथ में अपनी बेटी की भी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।